साझेदारों के चालू खाते और पूंजी खाते जब एक साथ बनाने हो तो किस प्रकार हम प्रश्न हल करते हैं, आइए देखते हैं। इस दिए गए प्रश्न में नैना और आरुषि दो साझेदार हैं। 31 मार्च 2007 की इनकी बैलेंस शीट दी गई है और इस बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि कैपिटल दी गई है जो नैना और आरुषि की वो है 1,50,000, यानी टोटल जो इनकी कैपिटल है वो 1,50,000 है। क्रेडिटर्स दिए गए हैं 20,000 के। आरुषि का करंट अकाउंट का बैलेंस, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज है कि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, तो करंट अकाउंट है 10,000 का। यहाँ पर एक नई चीज जो हमको देखने को मिल रही है वो है वर्कमैन कंपोजिशन फंड 15,000 की और बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 का। एसेट्स की तरफ अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि बैंक बैलेंस है 30,000 का, डेटर्स है 25,000 के, स्टॉक है 35,000 का, फर्नीचर है 40,000, मशीनरी है 60,000 और नैना का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो है 10,000। एडजस्टमेंट पे एक नजर डालें तो हम देखते हैं कि नैना ने 50% स्टॉक को पुस्त मूल्य से 10% कम कर लिया और शेष स्टॉक 15% लाभ पर बेच दिए गए। फर्नीचर और मशीनरी से 30,000 और 50,000 वसूल हुए। सेकेंड, यहाँ पर हम देखते हैं कि गैर अभिलेख विनियोग को 25,000 रुपए में बेच दिया गया। थर्ड एडजस्टमेंट बोलता है कि देनदारों से 31,500 ब्याज सहित वसूल हुए और 1,200 पिछले वर्ष अपलिखित डूबत ऋण से प्राप्त हुए। फोर्थ एडजस्टमेंट है मरम्मत के बकाया बिल का 2,000 भुगतान किया गया। अब इसके आधार पर जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम ये देखेंगे कि बैलेंस शीट में कौन कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटीज दी गई हैं जिनको हमको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो फिक्स एसेट्स दी गई हैं उनमें सबसे पहला है डेटर्स 25,000 के, स्टॉक 35,000, फिक्स एसेट्स 40,000, फर्नीचर 60,000, तो कुल मिलाकर जो एसेट्स है 1,60,000 के हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि लायबिलिटी साइड में जो लायबिलिटीज दी गई हैं उनमें सबसे पहले क्रेडिटर है 20,000 का और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक ओडी दिया हुआ है, ये भी एक करंट लायबिलिटी है, तो उसकी एंट्री भी हम यहाँ पर कर लेंगे 5,000 से। तो बैलेंस शीट की जो एंट्रीज रियलाइजेशन में हो सकती थी वो हमने कर ली। अब हम स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट को देखते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में उसकी एंट्री करते जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वहां पर नैना ने 50% स्टॉक को बुक वैल्यू से 10% कम कर लिया। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हम देखते हैं कि जो स्टॉक था उसकी जो वैल्यू है वो 35,000 थी, तो 35,000 में अगर हम उसका 50% निकालते हैं, क्योंकि 50% स्टॉक को ही नैना ने लिया है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 37,000 का स्टॉक था और नैना ने सिर्फ 50% स्टॉक को लिया है, तो सबसे पहले हम 37,000 का 50% कैलकुलेट करते हैं जो कि हमें मिलेगा 17,500। अब क्योंकि 17,500 को नैना ने 10% कम पे लिया है, अगर हम 17,500 को 10% और कम कर दें, यानी 1,750 इसमें और अगर हम कम कर दें, तो 15,750 इस मूल्य पर नैना ने स्टॉक को लिया है। तो क्योंकि नैना एक पार्टनर है और उसने इस स्टॉक को लिया है, इसलिए हम उसके कैपिटल अकाउंट में डालकर इसकी एंट्री करेंगे। तो हम यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे नैनास कैपिटल अकाउंट या बाय नैनास कैपिटल अकाउंट, और हम इसके साथ में हम नोट भी दे देंगे स्टॉक टेकन ओवर बाय नैना, और 15,750 हम इसकी एंट्री यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में इस अमाउंट को हम लिखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अब जो बचा हुआ स्टॉक था, यानी कि 35,000 में 17,500 का स्टॉक नैना ने ले लिया और जो बचा हुआ 17,500 है इसको हमने 15% प्रॉफिट पे सेल किया। तो पहले हम 17,500 का 15% कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 2,625 आएगा, और अब 17,500 में हम इसको प्लस कर देंगे क्योंकि हमने प्रॉफिट पे इसको सेल किया है। तो 17,500 प्लस 2,625, तो यहाँ हम देखते हैं कि स्टॉक से हमें जो कैश मिला है वो है 20,125। तो अब जब हम कैश की यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं या बैंक की, कि किस संपत्ति से हमको किस कितना मिला,
तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टॉक से मिला हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखेंगे, और हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक से मिला है हमको 20,125, और उसके बाद हम एडजस्टमेंट देखते जाते हैं, फर्नीचर से मिला है हमको 30,000 और मशीनरी से मिला है हमको 50,000। उसके बाद हमने देखा है कि गैर अभिलेख जो विनियोग है उनको हमने 25,000 में सेल किया है। इन सभी अमाउंट को हम बैंक के अंतर्गत रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनर कॉलम में लिखते जाएंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट कि देनदारों से 31,500 की वसूली हुई है, क्योंकि ये भी वसूल हो रहा है, आ रही है राशि, तो इसको भी हम इसी के अंतर्गत लिख देंगे, डेटर्स के अंतर्गत 31,500। और यहाँ पर एक बात और दी गई है कि 1200 रुपए जो है वो पिछले वर्ष अप्लिखित डूबत ऋण से प्राप्त हुए, हमने उनको डूबत ऋण मान लिया था और मानकर लॉस में एंट्री कर दी थी, लेकिन अब वो इस वर्ष वसूल हो गए, तो कहीं ना कहीं ये रिसीव हो गया, प्रॉफिट हो गया हमारे लिए, तो इसके भी एंट्री हम इसी के साथ कर देंगे। इनर कॉलम में हम इन सारे अमाउंट की एंट्री करेंगे और टोटल करके हम इसको आउटर कॉलम में लिखेंगे, तो इसका टोटल हो जाएगा 1,57,825। तो इस तरह से क्रेडिट में जो एंट्री आनी चाहिए थी वो हमने सब फुलफिल कर ली है। अब डेबिट में और क्या बचा है, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे क्रेडिटर्स थे, अभी तक हमने एसेट्स को सेल किया, अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे क्रेडिटर्स थे उनको हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए, चाहे वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो या क्रेडिटर हो, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है, तो जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में भी देखा, लेकिन हमको पेमेंट तो करना है क्योंकि अकाउंट क्लोज हो रहा है, तो यहाँ हम क्रेडिटर को पे कर देंगे। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक, और उसके अंतर्गत इनर कॉलम में हम लिखते जाएंगे क्रेडिटर को हम 20,000 पे करेंगे, बैंक ओडी हमारा 5,000 है वो भी हमको पे करना है, और साथ में एडजस्टमेंट का फोर्थ पॉइंट जहां पे दिया गया है मरम्मत के बकाया बिल का 2000 भुगतान किया गया। तो बकाया यानी कि आउटस्टैंडिंग, तो आपने पहले देखा होगा 11th में हमने पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग यानी कि दायित्व एक प्रकार का, तो इस दायित्व का भी हम यहाँ पर भुगतान करते चलेंगे। तो क्रेडिटर 20,000, बैंक ओडी 5,000 और आउटस्टैंडिंग बिल 2,000, टोटल 27,000 जो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे इसका भुगतान हमको यहाँ करना है। तो इस तरह से सभी संपत्तियों को बेच के या उनका निपटारा करके हमने दायित्व का निपटारा कर दिया। अब रियलाइजेशन में लिखने के लिए कोई एंट्री नहीं है हमारे पास, हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते समय हम देखते हैं कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 1,98,575। इसमें से हम डेबिट बैलेंस यानी 1,60,000 और 27,000 को जब माइनस करेंगे तो 11,575 जो है इसका बैलेंस आएगा, जिसे हम नैना और आरुषि दोनों को इनका जो रेशियो है, क्योंकि बराबर रेशियो में विभाजित करते हैं, तो बराबर बराबर हम इनको बांट देंगे 5,787.5 और 5,787.5 हम इनको बांट देंगे। अब जब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एक विशेष बात है जिसके लिए इस प्रश्न का मैंने सिलेक्शन किया है कि यहाँ पर हमको करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बनानी है, क्योंकि बैलेंस जो दिया है प्रश्न में वो करंट अकाउंट का दिया है, तो सबसे पहले हम करंट अकाउंट बनाएंगे नैना और आरुषि के लिए। तो हम देख रहे हैं कि जो करंट अकाउंट का बैलेंस जो बैलेंस शीट में दिया गया है वो आरुषि का जो है 10,000 है लायबिलिटी में है, और नैना का जो करंट बैलेंस है वो 10,000 है एसेट्स में। तो सबसे पहले नैना और आरुषि का जो बैलेंस है उसको हम यहाँ पे क्रॉस ट्रांसफर लिख लेंगे। तो आरुषि का हम देख रहे हैं कि 10,000 का करंट बैलेंस था, ये हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं बैलेंस बीडी 10,000, और बिल्कुल इसी तरह नैना का जो बैलेंस है 10,000 उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी। उसके बाद हम देखते हैं रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन में हम ये चेक करते हैं कि किसी साझेदार ने कोई संपत्ति ली है या फिर कोई दायित्व किसी दायित्व का भुगतान किया है क्या, अगर ऐसा है तो उसकी क्रॉस एंट्री हम यहाँ करेंट या कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि नैना एक ऐसा साझेदार है जिसने जो स्टॉक है उसको खरीदा था 15,750 में, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे नैना के अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि क्रॉस एंट्री हम यहाँ पर करते जाते हैं।
तो नैना के अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और 15,750 में उसने लिया था स्टॉक को, तो वो उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि कंपनसेशन फंड क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो जैसे कि हम पिछले सभी क्वेश्चन में जो रिजर्व फंड जनरल रिजर्व होते हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते जाते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन फंड को नैना और आरुषि में, क्योंकि वो बराबर के साझेदार है, तो बराबर बराबर 15,000 को हम 7,500 नैना को और 7,500 आरुषि को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रियलाइजेशन का प्रॉफिट है उसको हमको ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो नैना और आरुषि के हिस्से में है 5,877.5, तो इसको हम राउंड फिगर में करके नैना के हिस्से में 5,788 और आरुषि के हिस्से में 5,787 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो करंट अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करते थे तो वहां पर हम जो इसके हिस्से का बैलेंस आता था उसको कैश में ट्रांसफर कर देते थे, यानी कि ये बताते थे कि हम उनको उतनी कैश देंगे या फिर अगर वो क्रेडिट साइड में आया है तो पार्टनर उतनी कैश लाएंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमको करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसको कैपिटल में ले जाना है, तो यहाँ पर हम इसको जो बैलेंस आएगा करंट अकाउंट का उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो हम देखते हैं कि नैना के अकाउंट का जो डेबिट टोटल है वो है 25,750 और क्रेडिट बैलेंस उसमें से हम माइनस करते हैं तो 12,462 है जो नैना का कैपिटल बैलेंस आ रहा है, और आरुषि का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड का है 23,287, पूरा का पूरा वो डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा 23,287, और यहाँ पर हम करंट अकाउंट जो है वो टोटल करके क्लोज कर देंगे। अब हम इनका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम जो कैपिटल बैलेंस है बैलेंस शीट में जो कैपिटल दी हुई है उस बैलेंस को हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि नैना के हिस्से में 1,00,000 और आरुषि के हिस्से की जो कैपिटल बैलेंस है वो 50,000 है, बाय बैलेंस बीडी करके हम यहाँ पर उसको ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद हम करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, तो करंट अकाउंट का जब क्रॉस ट्रांसफर हम यहाँ पे करेंगे बैलेंस, तो हम देखते हैं कि आरुषि के हिस्से का जो है वो क्रेडिट साइड में आएगा 23,287 और डेबिट साइड में आएगा 12,462। इसको हम नैनास करंट अकाउंट इस तरह से ट्रांसफर करके लिख लेंगे, और किसी तरह की कोई एंट्री कैपिटल में हमको नहीं करनी है, हमको सारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करंट अकाउंट में कर लेना है। कैपिटल अकाउंट में हमको सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर करना है और इसका बैलेंस निकालना है जो कि कैश में ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नैना और आरुषि के हिस्से का जो बैलेंस आता है बैंक बैलेंस वो नैना के हिस्से में आता है 87,538 और आरुषि के हिस्से में आता है 73,287, जो कि बैंक या फिर कैश अकाउंट में ट्रांसफर करके हम इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे। अब इसके आधार पर हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट का प्रोसेस मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट है उसमें बैंक बैलेंस की क्या स्थिति है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस 30,000 का है, जिसे हम डेबिट साइड में लिख लेंगे। जितनी भी इनकम हमारा बैंक बैलेंस प्लस जितनी भी इनकम हमको होती जाएगी, जितना भी कैश हमारे पास आता जाएगा, वो सारा हम बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और जितने भी खर्च होते जाएंगे जो एक्सपेंसेस होते जाएंगे उन्हें हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हमने बैलेंस ट्रांसफर कर लिया 30,000 का, प्लस जब रियलाइजेशन अकाउंट हमने बनाया था तो वहां पर हमने बहुत सारी संपत्तियों का निपटारा किया था, बहुत सारी संपत्तियों को बेचा था, तो टोटल वहां पर हमने देखा कि 1,57,825 हमको रिसीव हुए थे। तो यहाँ पर हम 1,57,825 की एंट्री कर ली। एक्सपेंसेस हमने क्या किए कि जब हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो वहां पर हमने देखा था कि हमने कुछ लायबिलिटीज पे की थी, तो उसे हमने यहाँ पर बाय रियलाइजेशन करके 27,000 की एंट्री हमने कर दी। और अब क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट बना के बंद कर चुके हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नैना को हमें 87,538 पे करना है और आरुषि को हमें 73,287 पे करना है, जिसे हम यहाँ बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो 1,87,825 आकर बंद हो जाता है। रेखा, रश्मि और राखी एक फर्म में साझेदार हैं। इनका चिट्ठा यहाँ पर दिया गया है जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि लेनदार 3,000 के हैं,
कैपिटल इनकी दी गई है 10,000, 8,000 और 5,000 जो कि टोटल 23,000 होती है। एसेट्स दिए गए हैं जिनमें फ्री होल्ड संपत्तियां हैं 12,000, इन्वेस्टमेंट है 4,000, डेटर्स है 2,000 और कैश एट बैंक है 8,000 और कैश इन बैंक है 8,000। टोटल बैलेंस शीट टैली होती है यहाँ पर 26,000 के। एडजस्टमेंट में देखें तो साझेदार जो है वो अपने लाभ हानि का बराबर बंटवारा करते हैं और उन्होंने फर्म के विघटन का निश्चय लिया। लेनदारों को 5% बट्टे पर भुगतान किया गया। रेखा ने संपत्तियां 14,000 में और रश्मि ने विनियोग 1,000 में और राखी ने देनदारों को 1,050 में लेने का निश्चय लिया। यहाँ पर हमको विघटन संबंधी खाते खोलने हैं तो क्योंकि विघटन के समय हमने देखा कि जो खाते खोले जाते हैं उनमें तीन महत्वपूर्ण खाते जो होते हैं, पहला रियलाइजेशन, फिर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट और तीसरा जो होता है वो बैंक अकाउंट होता है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा स्टेप है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो पुरानी बैलेंस शीट यानी कि क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें जो संपत्तियां होती हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में बुक वैल्यू पे हस्तांतरित कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज 12,000, इन्वेस्टमेंट 4,000, डेटर्स 2,000, टोटल 18,000 जो हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। सेकेंड हमारा जो स्टेप होता है वहां पर हम लाइबिलिटीज देखते हैं कि हमारे जो बैलेंस शीट है उसमें लाइबिलिटीज कितनी है। तो यहाँ बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि केवल एक लाइबिलिटी है 3,000 की, इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे क्रेडिटर के अंतर्गत बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज 3,000। अब थर्ड हमारा जो स्टेप होता है वहां पर हम एडजस्टमेंट देखते हैं और वहां पर देखते हैं कि क्या किसी साझेदार ने कोई संपत्ति ली है या किसी दायित्व का जो भुगतान है वो करना स्वीकार किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया है उसके अंतर्गत है कि लेनदारों को 5% बट्टे पर भुगतान किया गया। तो सबसे पहले तो हम लेनदारों को ही पेमेंट कर देते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारे लेनदार थे, क्रेडिटर थे, वो 3,000 के थे। अगर हम उनको 5,000 डिस्काउंट दे देते हैं यानी कि अगर हम उनको 3,000 पे 5% डिस्काउंट देते हैं तो 150 के डिस्काउंट के साथ हम उनकी जब पेमेंट करेंगे तो इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू कैश और 3,000 माइनस 150 यानी 2,850 से हम इसकी एंट्री करेंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि रेखा ने संपत्तियां 14,000 में ली हैं। तो क्योंकि रेखा एक पार्टनर है और कोई पार्टनर अगर फर्म की संपत्ति ले लेती है तो हमने देखा कि हमारी जनरल एंट्री जो होती है वो होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेखास कैपिटल और यहाँ पर हम 14,000 से उसकी एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रश्मि ने विनियोग 1,000 में लिए थे। अब विनियोग भी हमारी एक प्रकार की एसेट्स है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एसेट्स एक पार्टनर ने ले लिए हैं तो ले लिया है तो सेम ऐसी ही एंट्री यहाँ पर होगी रश्मि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इस जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रश्मि कैपिटल अकाउंट 1,000। थर्ड हम देख रहे हैं कि राखी जो कि इसी फर्म की एक पार्टनर है इसने देनदार को 1,050 में लिया है तो सेम इसकी भी एंट्री इसी तरह होगी एसेट्स को क्योंकि उसने लिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय राखी कैपिटल अकाउंट 1,050। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज थी वो सारी की सारी यहाँ पर हो गई है। अब जब हम रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है यानी कि यहाँ पे लॉस हो रहा है और बैलेंस जो हम निकालते हैं वो डेबिट का जो टोटल है 20,850 माइनस जो क्रेडिट का बैलेंस है 3,000 माइनस 14,000 माइनस 1,000 माइनस 1,050 माइनस करते हैं तो ये हमको 1800 का जो है वो डेबिट बैलेंस इसका प्राप्त होता है जिसे हम तीनों पार्टनर रेखा, रश्मि और राखी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि प्रश्न में दिया है कि तीनों समान अनुपात में साझेदार हैं। तो रेखा, रश्मि और राखी तीनों को 600, 600 और 600 मिलेगा। इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमारा प्रोसेस है वो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट है वहां पर
कैपिटल की क्या स्थिति है, क्या बैलेंस है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेखा, रश्मि और राखी के हिस्से के जो बैलेंस है, कैपिटल बैलेंस है, वो है 10,000, 8,000 और 5,000। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स या लाइबिलिटी पे की है क्या, क्योंकि अगर एसेट्स ली है या फिर लाइबिलिटी पे की है, तो क्योंकि ऐसे कंडीशन में उसके जो उसका जो कैपिटल अकाउंट होता है वो प्रभावित होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में कि यहाँ पर रश्मि ने 1,000 के इन्वेस्टमेंट लिए थे, राखी ने डेटर्स लिए थे और रेखा जो है उसने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ली थी। तो क्योंकि इन सब का जो कैपिटल अकाउंट था वो यहाँ पर क्रेडिट हो डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में, क्योंकि हमारी जनरल एंट्री, जब भी कोई पार्टनर कोई एसेट्स लेता है तो हम जनरल एंट्री करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में एंट्री करे हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रेखा ने क्योंकि 14,000 के एसेट्स ली है, रश्मि ने 1,000 के लिए है और राखी ने 1,050 के, तो ये पूरी अमाउंट हम इसमें लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं कि रियलाइजेशन में लॉस हुआ है 600, 600 और 600 का जो लॉस हुआ है उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। लॉस है इसलिए भी हम डेबिट में है कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कंसेप्ट लगाते हैं क्रॉस ट्रांसफर हम कर रहे हैं, इसलिए भी हम इसको यहाँ पर डेबिट साइड में हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है। और उसके बाद अब हम बैलेंस निकालते हैं तो देखते हैं कि रेखा जो है उसका जो डेबिट बैलेंस है वो है 14,600, लेकिन क्रेडिट बैलेंस जो है वो 10,000 है। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश और रेखा वाले कॉलम में हम लिखेंगे 4,600। इसका मतलब कि रेखा को 4,600 और लाने हैं फर्म में। और रश्मि के हिस्से का अगर हम देखें तो ये टोटल है 8,000 क्रेडिट साइड का, इसमें से हम जब डेबिट को माइनस करते हैं यानी कि 1,600 को माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 6,400, यानी रश्मि को हम फर्म को देना है 6,400। और राखी का भी वैसे ही हम देख रहे हैं कि क्रेडिट बैलेंस जो है वो ज्यादा है, 5,000 है, और उसमें से हम डेबिट को माइनस करते हैं 1,050 और 600, तो हम देखते हैं कि राखी को 3,350 जो है वो वापस हम करेंगे, यानी 3,350 उसका बैलेंस है। अब इस कैपिटल अकाउंट के आधार पर हम कैश अकाउंट बना लेंगे। तो कैश अकाउंट का हमारा जो कंसेप्ट है, यानी जितनी भी कैश हमारे पास बैलेंस है या फिर जितनी भी कैश रियलाइजेशन के दौरान हमारे पास आती है सबको हम डेबिट में लिखते जाएंगे और जो जाती है खर्च होते जाती है उनको हम क्रेडिट में लिखते जाएंगे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हमारे पास 8,000 का कैश बैलेंस है, सबसे पहले हम उसकी एंट्री कर लेंगे। फिर हम देख रहे हैं कि राखी का जो बैलेंस आया था डेबिट बैलेंस, क्योंकि उसे लेके आना है फर्म में 4,600, उसकी एंट्री हम डेबिट में कर लेंगे टू राखी कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट में हम देखते हैं कि एक तो हमने क्रेडिटर को पे किया था तब हमारे पास से कैश गया था 2,850, और उसके बाद अभी हमने जब कैपिटल अकाउंट का निर्माण किया तो हमें पता चला कि हमें राखी और रश्मि को कुछ पैसे पे करने हैं, उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। तो बाय रश्मि इज कैपिटल 6,400, बाय राखी इज कैपिटल 3,350, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 12,600 और इस तरह से हमारा जो कैश अकाउंट है वो क्लोज हो जाएगा। इस प्रश्न में तीन साझेदार हैं, अशोक, बाबू और चेतन। इनका जो लाभ हानि विभाजन अनुपात है वो है 1/2, 1/3 और 1/6। यहाँ हम जो चिट्ठा देख रहे हैं उनमें कुछ दायित्व दिए गए हैं, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स है 20,000, बिल्स पेबल 25,500, लोन फ्रॉम बाबू 30,000, कैपिटल जो है वो अशोक की 70,000, बाबू की 55,000 और चेतन की 27,000 है, यानी इनके टोटल कैपिटल 1,52,000 है। अब क्योंकि यहाँ पर साथ में करंट अकाउंट भी बनाना है तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो अशोक का 10,000, बाबू का 5,000 और चेतन का 3,000, यानी टोटल 18,000 है। एसेट्स हम देखिए तो एसेट्स में सबसे पहले बैंक बैलेंस जो है वो है 7,500 का, सन्ड्री डेटर्स है 58,000 के, स्टॉक है 39,500, मशीनरी है 48,000, इन्वेस्टमेंट है 42,000 और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 50,500 की। यहाँ पर एडजस्टमेंट हम देख रहे हैं कि बाबू ने मशीनरी को 45,000 में ले लिया, अशोक ने विनियोग को 40,000 में लिया और पूर्ण स्वामित्व जो परिसंपत्तियों से जो वसूली हुई है वो इस प्रकार है, डेटर से 56,500 और स्टॉक से 36,500 वसूली हुई है। लेनदारों को जो पेमेंट किए तो उसपे हमको 7% का डिस्काउंट मिला है। गैर अभिलेखित कंप्यूटर यानी कि इसकी एंट्री कहीं पर बैलेंस शीट में नहीं थी लेकिन इनसे वसूली हो रही है,
तो 9,000 रुपए इनसे वसूल हुए हैं, और वसूली व्यय की जो राशि है वो 3,000 है। इसके अकॉर्डिंग हमको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो हमारा जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पर जो एसेट्स हैं उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बैंक को छोड़कर बाकी जो एसेट्स है जैसे डेटर्स है 58,000, तो यहाँ पर हम 200 एसेट्स के अंतर्गत इसको लिखते जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में इनर कॉलम में। सन्ड्री एसेट्स है 58,000 के, स्टॉक है 39,500, मशीनरी है 48,000 और इन्वेस्टमेंट है 42,000 और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 50,500। तो टोटल 2,38,000 की यहाँ पर हमको एसेट्स मिल गई है। अब सेकंड हमारा जो स्टेप है वहां हम देखते हैं कि लायबिलिटी कौन सी है जिनको हमको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि क्रेडिटर्स है 20,000 के, बिल्स पेबल है 25,500 की। तो यहाँ पर हम टोटल जो लायबिलिटी है हमारी 45,500 हो गई है, उसकी एंट्री हमने यहाँ पर कर ली। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एडजस्टमेंट है वो क्या कहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बाबू ने मशीनरी को 45,000 में ले लिया है। अब बाबू क्योंकि फर्म का एक पार्टनर है और उसने कोई एसेट्स ले ली है, तो हमारी जो जनरल एंट्री होती है वो होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसके अकॉर्डिंग हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बाबूस कैपिटल, और यहाँ पर 45,000 में उसने मशीनरी को लिया है तो 45,000 के अमाउंट हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में। उसके बाद सेम यही काम अशोक ने किया है, उसने भी एक इन्वेस्टमेंट यानी कि एक एसेट्स लिया है। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री होगी अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम पोस्टिंग करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय अशोक कैपिटल अकाउंट यानी 40,000। आगे हम देखते हैं कि जो वसूली हुई है वो किस प्रकार हुई है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि और हमने ये देखा कि जब वसूली हम करते हैं तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम स्टेप बाय स्टेप लिखते जाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि डेटर्स से यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख लेंगे बाय बैंक या फिर कैश, और स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएंगे डेटर्स से 56,500, स्टॉक से 36,500, और कंप्यूटर जो है अनरिकॉर्डेड एक एसेट्स है जिसकी बैलेंस शीट में एंट्री नहीं की गई है लेकिन उससे भी हमको वसूल हो रहा है 9,000, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। तो ये टोटल जो हमको रिसीव हुआ है एसेट के सेल से वो है 1,02,000, जिसे हम यहाँ पर आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि और चेतन ने परिसंपत्तियों को फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज को 55,000 में क्रय कर लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चेतन ने एक संपत्ति ली है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ली है 55,000 की, तो उसकी एंट्री हम कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय चेतन कैपिटल अकाउंट 55,000। अब हम दायित्व के भुगतान की बात करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दायित्व से हमें किस प्रकार दायित्व को हमने किस प्रकार भुगतान किया है। तो सबसे पहले लेनदारों को 7% छूट पर भुगतान किया गया है। यहाँ हमारे जो लेनदार है क्रेडिटर है वो 58,000 है, 58,000 के हैं, और जब 58,000 के जो डेटर्स हैं उनको हम पेमेंट करते हैं, उनको हम भुगतान करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे जो क्रेडिटर है लेनदार है वो 20,000 के हैं, उनको हम 7% डिस्काउंट पर जो है भुगतान करेंगे। तो 20,000 का 7% यानी 1,400 अगर हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ 18,600 हम उनको पे करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। हम लिखते जाएंगे टू बैंक, और सबसे पहले हम क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो वो 18,600 हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि बिल्स पेबल के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो हमने देखा था कि अब क्योंकि हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, फर्म का विघटन हो रहा है, तो किसी भी लाइबिलिटी को हमको यहाँ पर छोड़ना नहीं है, सारी लाइबिलिटीज हमको पे करनी है। अगर कुछ बोलता है तो उसके अकॉर्डिंग हम पे करेंगे, और नहीं बोलता तो हम पूरे के पूरे जो उसकी बुक वैल्यू यहाँ पर दी गई है उतना हम उसको पे करेंगे। तो बिल्स पेबल 25,500 है, उसकी अमाउंट हम यहाँ पर लिख लेंगे, और साथ ही दिया गया है कि वसूली व्यय की जो राशि थी 3,000 है क्योंकि वो भी बैंक में ही यानी कैश में ही उसको हम यहाँ पर पे करेंगे, तो उसको भी हम इसी के अंतर्गत लिख लेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000। तो ये टोटल जो बैंक का कैश का आ जाएगा अमाउंट वो आ जाएगी 47,100।
अब बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जितनी एंट्रीज रियलाइजेशन अकाउंट में होनी चाहिए थी वो हो गई है। अब हम निकाल लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस। तो हम देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का ज्यादा दिख रहा है 2,87,500 और उसमें से डेबिट का जो बैलेंस है 2,38,000 और 47,100। इसको जब हम माइनस करते हैं तो ये जो बैलेंस आता है 2,400 क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर आ रहा है। इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस मानकर जो पार्टनर्स करंट अकाउंट है वहां हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर करंट अकाउंट का बैलेंस भी हमें दिया गया है। जब करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं देता है तो यही जो बैलेंस है वो हम डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि करंट अकाउंट भी हमको बनाना है, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया गया है, तो हम इसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ये जो 2400 का जो बैलेंस है उसको हम अशोक बाबू और चेतन के हिस्से में जब 1:2, 1:3 और 1:6 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अशोक को 1200, बाबू को 800 और चेतन को 400 मिलेगा। कि यहाँ बैलेंस शीट में दिया गया है कि बाबू से ऋण, लोन फ्रॉम बाबू, ये 30,000 हमने लिया था। तो क्योंकि वो पार्टनर है फर्म का, फर्म को उसने ऋण दिया था, अब फर्म क्लोज हो गई है, विघटन हो चुका है, तो यहाँ हमको पार्टनर का भी जो लोन है वो हमको यहाँ पे करना पड़ता है और उसके लिए हम अलग से एक अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक अकाउंट बना लेंगे बाबूज लोन अकाउंट, और क्योंकि उसका बैलेंस था तो बैलेंस हम यहाँ पर लिख लेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन 30,000। और अब क्योंकि हम उसको पे कर रहे हैं, बाबू को वो मिल रहा है, इसलिए उसके अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये पेमेंट यहाँ पर मेड हो जाती है 30,000 की और जो बाबू लोन अकाउंट है वो यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो ये नया काम हमने इस प्रश्न में किया कि लोन का अकाउंट हमने यहाँ पर एक रेडी किया। अब हमको बनाना है करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने के लिए जब करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट हमको बनाना रहता है तो सारी जो एंट्रीज होती है, सारे जो ट्रांसफर होते हैं वो सारे के सारे करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं और बैलेंस जो बचता है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्टनर करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, बैलेंस शीट जो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग, वो अशोक के हिस्से में 10,000, बाबू के हिस्से में 5,000 और चेतन के हिस्से में 3,000 का है। इसकी एंट्री हम लिख लिए क्रेडिट साइड में। उसके बाद हम देखते हैं कि रियलाइजेशन जो अकाउंट हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो बैलेंस आया है वो अशोक के हिस्से में 1200 और बाबू के हिस्से में 800 और चेतन के हिस्से में 400 आई है। इसकी एंट्री हम यहाँ पर कर लेंगे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कुछ पार्टनर है उन्होंने कुछ संपत्तियां भी ली हुई थी तो वहां पर हमने पार्टनर्स करेंट अकाउंट में डालकर उसकी एंट्री की हुई थी तो उसको अब हम यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे। जैसे हम देखते हैं कि बाबू ने 45,000 की मशीनरी ली थी, अशोक ने 40,000 के विनियोग लिए थे तो इनकी एंट्रीज हम, और चेतन ने 55,000 का जो है वो फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी ली थी तो इसकी एंट्री हम कर लेंगे डेबिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इस तरह की एंट्री हमने बनाई थी। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ पर टू मशीनरी, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे, अशोक के लिए 40,000, बाबू के हिस्से में 45,000 और चेतन ने 55,000 की संपत्ति ली थी। तो अब यहाँ पर हम इस करंट अकाउंट को क्लोज कर देंगे और करंट अकाउंट का हम बैलेंस निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं कि अशोक का जो डेबिट टोटल है वो 40,000 है और क्रेडिट इसमें से अगर हम 11,200 माइनस करते हैं तो जो अशोक के हिस्से का बैलेंस आता है 28,800, ये उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह बाबू के हिस्से का जो टोटल है डेबिट साइड का वो है 45,000, इसमें से जब हम इसका क्रेडिट टोटल माइनस कर देते हैं यानी कि 5,800 तो बाबू के हिस्से का जो बैलेंस बचता है वो है 39,200 और चेतन के हिस्से का जो बैलेंस है डेबिट साइड का जो टोटल है 55,000, अगर उसमें से हम चेतन का क्रेडिट बैलेंस माइनस कर देते हैं 3,400 तो जो बैलेंस बचता है वो होता है 51,600 जिसे हम चेतन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा पार्टनर करंट अकाउंट क्लोज होता है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब कैपिटल अकाउंट में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम जो बैलेंस शीट का बैलेंस है कैपिटल का, वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं, जो कि अशोक के हिस्से का है 70,000, बाबू के हिस्से में है 55,000 और चेतन के हिस्से में है 27,000। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है जो हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वो हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं डेबिट साइड में टू करंट अकाउंट 28,800, 39,200 और 51,600। अब कैपिटल अकाउंट को हमको यहाँ पर क्लोज करना है, तो हम देखते हैं कि अशोक के हिस्से का क्रेडिट का जो टोटल है वो है 70,000। इसमें से जब हम डेबिट का टोटल यानी 28,800 माइनस करेंगे तो ये हमें 41,200 मिल जाएगा। और बाबू के हिस्से का जो क्रेडिट टोटल है वो है 55,000, इसमें से जब हम डेबिट टोटल माइनस करेंगे 39,200 तो हमें 15,800 मिल जाएगा, जिसे हम टू बैंक या कैश में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि हमें अशोक और बाबू को इतने पैसे वापस करने हैं। चेतन के हिस्से को हम देख रहे हैं कि इसका डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो डेबिट में है 51,600 और क्रेडिट में है 27,000। तो 51,600 माइनस 27,000 हम करते हैं तो 24,600 आता है, यानी कि और ये डेबिट बैलेंस है, मतलब चेतन को इतनी अमाउंट और फर्म में लेके आनी होगी, देनी होगी फर्म को। तो इस तरह से हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसको क्लोज कर लेते हैं और अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक बैलेंस क्या है। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस है सबसे पहले वो है 7,500। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पे हमने खर्च किया। तो जहां से भी पैसा आएगा सब हम डेबिट साइड में लिखते जाएंगे और जो हमने खर्च करते गए हम वो हम डेबिट क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे। तो एसेट्स की सेल पे हमको पैसा मिला है, डेटर से हमको मिले हैं 56,500, स्टॉक से मिला है 36,500, कंप्यूटर सेल किया है हमने उससे मिला है 9,000। तो टोटल रियलाइजेशन से हमको मिला है 1,02,000। इसे हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहे हैं टू रियलाइजेशन 1,02,000। तीसरा जो चेतन जो है उसके कैपिटल अकाउंट में हम देख रहे हैं कि वो और लेकर आएगा फर्म को 24,600 वो देगा फर्म को, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में चेतन कैपिटल अकाउंट 24,600। क्रेडिट साइड में हम देखते हैं कि क्या क्या खर्च करते हैं हम, तो लिखेंगे इसे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर को हमने पे किया 18,600, ये सारी एंट्रीज हम रियलाइजेशन अकाउंट के बेस पे कर रहे हैं। बिल्स पेबल को हमने पे किया 25,500 और एक्सपेंसेस हमने जो किए 3,000 के वो, तो टोटल 47,100 हमने यहाँ पर एक्सपेंस किया। साथ में बाबू का जो लोन था वो हमने देखा कि जब हमने बाबू का जो लोन अकाउंट बनाया है उस लोन अकाउंट में 30,000 हमको पे करना है, तो वहां पर भी हमने कैश से हम उसको पेमेंट किया था हमने, तो वहां हमारी कैश गई थी, तो उसकी एंट्री हम यहाँ कर लेंगे बाबूज लोन अकाउंट 30,000। अब कैपिटल अकाउंट हम देख रहे हैं कि अशोक और बाबू को हम अशोक को 41,200 और बाबू को 15,800 पे करेंगे, तो इसकी एंट्री हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में कर लेंगे। अब कैलकुलेट करके हम देखते हैं तो 1,34,100 ये हमारे बैंक अकाउंट का दोनों साइड का टोटल जो कि इक्वल आता है, मतलब हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर बन के तैयार हो गया।